अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की आने वाली फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर देखने के बाद ये साफ हो गया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जीवन पर आधारित नहीं है। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि मैडम चीफ मिनिस्टर मायावती की जिंदगी को फिल्मी पर्दे पर दिखाएगी। ट्रेलर में एक दलित युवा महिला को दिखाया गया है जो किसी वजह से अपना घर छोड़ चुकी है। अपने गुरु के साथ मिलकर ये महिला राजनीति में एंट्री करती है और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचती है। इस फिल्म में जातिवाद, चुनाव में जाति की अहमियत, सियासी दावपेच, सत्ता के लिए अपराध से लेकर पैतरेबाजी तक को दिखाया गया है। सुभाष कपूर की लिखी और निर्देशित इस फिल्म की नायिका काल्पनिक किरदार जरूर है, लेकिन उस पर मायावती का असर देखा जा सकता है। ट्रेलर में नायिका कहती है, मैं कुंवारी हूँ, तेज कटारी हूँ, लेकिन तुम्हारी हूँ। इस तरह के डायलॉग से लेकर जनहित के कामों तक आपको मायावती की छवि का असर जरूर दिखेगा। नायिका का हेयर स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज भी आपको मायावती की याद दिलाएगा। फिल्म में अखिलेश यादव का भी कुछ असर दिखता है। एक डायलॉग है, जो मेट्रो बनवाता है वो हारता है, जीतता वही है जो मंदिर बनवाता है। इस फिल्म के पोस्टर पर भी काफी विवाद हो रहा है। फिल्म के पोस्टर में नायिका को झाड़ू पकड़े दिखाया गया है, जिसके बाद कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्यों सवर्ण फिल्म मेकर दलित किरदारों को सिर्फ झाड़ू उठाए और नाला साफ करते हुए दिखाना चाहते हैं। ये फिल्म 22 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में और क्या कुछ है ये तो आपको सिनेमा हॉल में ही जाकर पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।